रोमियो नाम मेरा। क्या 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 रोमियो नाम मेरा। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ थॉमसन के 40 इंच के एलईडी स्मार्ट टीवी की अनबॉक्सिंग। तो चलिए आज रिव्यू करते हैं थॉमसन के 40 इंच वाले स्मार्ट टीवी का। ये देखिए, ये बॉक्स मेरे पास में आया है। ये थॉमसन का एक नया मॉडल है जिसकी फर्स्ट सेल स्टार्ट होगी 14th जून से ओनली ऑन फ्लिपकार्ट पर। टीवी के डब्बे पर आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है 102 सेंटीमीटर फुल HD LED टीवी, जो कि एक स्मार्ट टीवी है। और साथ ही ये कुछ फीचर्स मेंशन है डब्बे पर, जैसे डाउनलोड एंड अपडेट एप्स, फुल HD, डायनेमिक कंट्रास्ट, मिरर कास्ट, वाईफाई, HDMI, USB और क्विक इंटरफेस। तो चलिए बॉक्स को खोल लेते हैं। ये डब्बे के अंदर कुछ इस तरह से पैकिंग है। थर्माकोल की कटिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर टीवी की कुछ एसेसरीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यह है थॉमसन का 40 इंच का LED स्मार्ट टीवी। नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा थॉमसन की ब्रांडिंग। ये इसके बेजल्स हैं जो कि काफी पतले हैं। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है। चलिए देख लेते हैं बॉक्स में और क्या है। यह है टीवी का वारंटी कार्ड और यह यूजर मैनुअल गाइड, और यह है AAA साइज की बैटरी जो कि आप रिमोट में इस्तेमाल करेंगे, और ऑफ कोर्स यह है टीवी का रिमोट। यह एक सेंसर रिमोट है, और यह है टीवी का स्टैंड। यह स्टैंड प्लास्टिक से बने हुए हैं लेकिन क्वालिटी ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं टीवी में क्या क्या पोर्ट्स दिए गए हैं। ये सबसे पहले आपको पावर केबल दिख जाती है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है इथरनेट केबल का पोर्ट। ये रहे ऑडियो वीडियो पोर्ट्स, और यहीं पर आपको 3 HDMI पोर्ट मिल जाते हैं, और यह टीवी कनेक्शन के लिए पोर्ट मिल जाता है। कुछ ये ऑडियो वीडियो पोर्ट्स टीवी के साइड में दिए गए हैं, और साथ ही आपको यहाँ पर 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं। ओवरऑल टीवी पीछे से देखने में कुछ इस तरह से दिखता है, और टीवी के राइट हैंड साइड में आपको ये कुछ बटन्स मिल जाते हैं, जैसे वॉल्यूम और चैनल। इसको आप मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हो अगर आप रिमोट इस्तेमाल ना करना चाहो तो। नीचे की तरफ आपको 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं। ये स्पीकर 20 वाट के हैं। तो चलिए अब टीवी को ऑन करके देख लेते हैं कि क्या कुछ खास है थॉमसन के इस 40 इंच के LED स्मार्ट टीवी में। टीवी ऑन करने पर थॉमसन के डिस्प्ले सामने आपको दिखेगी, उसके बाद में आपको दिखेगा स्मार्ट टीवी। जी हाँ, यह एक स्मार्ट टीवी है। तो यह है टीवी की होम स्क्रीन। भाई होम स्क्रीन पर ही भुवन बाम दिख गए। जैसा कि मैंने कहा कि थॉमसन ने ये एक नए मॉडल का टीवी निकाला है जो कि 40 इंच और 32 इंच में है। तो इसमें आपको न्यू एंड्रॉइड वर्जन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपको इसका इंटरफेस भी कुछ अलग सा देखने को मिलेगा। टीवी का इंटरफेस काफी इजी है, चलाने में बहुत आसान है। ये नीचे की तरफ आपको कुछ आइकन्स मिल जाएंगी, आप यहाँ से जाके इसकी सेटिंग्स पर भी जा सकते हैं। तो चलिए सेटिंग्स में जाकर देखते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा नेटवर्क, लैंग्वेज, टाइम एंड डेट एंड सिस्टम। सेटिंग में आप जाकर वाईफाई वगैरह सेटअप कर सकते हैं, तो मैंने वाईफाई सेटअप कर लिया है। यह है सिस्टम। सिस्टम में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा थीम स्टाइल सेटिंग, होम डिस्प्ले टाइम, कैच क्लीनर, टच साउंड। चलिए अबाउट सेक्शन में जाकर देखते हैं किस टीवी में कौन सा वर्जन चल रहा है। ये देखिए, सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है OS, स्मार्ट टीवी OS, सिस्टम एंड्रॉइड वर्जन 5.1.1। यह थॉमसन के इस टीवी में लेटेस्ट OS वर्जन है। सिस्टम वर्जन, लॉन्चर वर्जन, मेमोरी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। टोटल इस टीवी की मेमोरी 1 GB है, जिसमें की 544 MB फ्री है। इस टीवी में स्टोरेज के लिए मिलती है इसमें 8 GB की स्टोरेज, और प्रोसेसर है ARM Cortex CA53 64 bit के साथ। ये आपको कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, यूट्यूब, ब्राउजर, जीमेल, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, फेसबुक वगैरह। तो चलिए यूट्यूब की एप्लीकेशन खोल कर देखते हैं। हमारा यूट्यूब खुल चुका है, आप देख सकते हैं। मैं एक वीडियो चलाकर दिखाता हूँ अपने ही चैनल की। यह है टेक्निकल रोमियो, और यह है मेरी सभी वीडियोस। ये मेरी वीडियो शुरू हो चुकी है। तो आपको पिक्चर क्वालिटी दिख रही होगी। व्यूइंग एंगल में कोई भी शिकायत नहीं है। व्यूइंग एंगल टीवी का बहुत अच्छा है। पिक्चर क्वालिटी वाकई बहुत अच्छी है। ये वाला LED स्मार्ट टीवी 4K वीडियो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फुल HD की क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है। अगर आप इसमें 100% वॉल्यूम कर देते हो तो एक नॉर्मल हॉल में आप आसानी से पिक्चर का मजा ले सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है साउंड कम है, आपको पार्टी के मतलब का साउंड चाहिए, तो आप इसमें एक्सटर्नल स्पीकर भी अटैच कर सकते हैं, और गेमिंग वगैरह का भी मजा ले सकते हैं। एक बात और, अगर आपके पास में स्मार्ट टीवी होगा तो आप लोग जानते होंगे कि कोई भी वीडियो सर्च करने के लिए
रिमोट से सर्च करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो एक अच्छी बात ये भी है कि आप इसमें अपना कीबोर्ड भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसमें अपना कीबोर्ड कनेक्ट करके देखा और उसके बाद में कीबोर्ड भी अच्छे से काम कर रहा है। तो चलिए मैं आपको कीबोर्ड कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये रहा कीबोर्ड और ये है यूएसबी पोर्ट। चलिए मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं सर्च करके देखता हूँ। यूट्यूब पर मैं सर्च कर रहा हूँ इस समय, अपना ही चैनल देखता हूँ सर्च करके। ये देखिए, तो इससे आप अपना टाइम भी बचा सकते हो। कोई चीज जल्दी से सर्च करनी है तो आप कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हो। तो कुल मिलाकर ये था थॉमसन के 40 इंच वाले एलईडी स्मार्ट टीवी का रिव्यू। टीवी की पिक्चर क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, बस मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगी इसके अंदर, वो है इसके स्टैंड जो कि प्लास्टिक के हैं। लेकिन घबराइए मत, क्वालिटी स्टैंड की ठीक ठाक है, बट अगर सिल्वर में होते तो ज्यादा बेहतर हो सकता था। बाकी अगर आप इस टीवी को वॉल माउंट करना चाहें तो वॉल माउंट का ऑप्शन भी आपको डब्बे के अंदर मिल जाएगा। मुझे इस टीवी का इंटरफेस भी अच्छा लगा। तो अगर आपको ये टीवी पसंद है और आप टीवी लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं फ्लिपकार्ट से, जो कि 14 तारीख से न्यू एंड्रॉइड वर्जन के साथ में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। टीवी की कीमत 19,999 रुपए है और ये टीवी ईएमआई पे भी अवेलेबल होगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आपके सभी कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टेक रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। One.